इंजेक्शन ओवरवेट के लिए। तो मम्मी भी बता रही थी ना कि आई रिड्यूस माय 10 केजीज इन 30 डेज, तो वो जो हुआ ना मैंने नहीं किया है, वो इनके कारण हुआ है। तालियां। जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ मैं सर के पास आया, मैंने बताया सर को कि सर ऐसा ऐसा है और मुझे 30 डेज में रिपोर्ट करना है। सर ने बोला कोई बात नहीं, आ जा ग्राउंड पे, रोज दौड़ेंगे अपन। मैंने बोला ठीक है। इन्होंने मुझे जो डाइट प्लान दिया, जिस तरीके से बताया, उसके कारण ही मैं आगे बढ़ पाया। सेकेंड स्टार्टिंग व्हेन आई वेंट टू ओटीए, ओटीए गया ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी, जाते ही यहाँ पे माहौल एकदम अलग था। हम 85 समथिंग लोग आए थे एंड एवरीबडी वॉज मोटिवेटेड, एवरीवन वॉज लाइक हम यहाँ परफॉर्म करने आए हैं, वील परफॉर्म, वी आर हियर टू बिकम ऑफिसर्स, है ना। स्टार्टिंग में जोश रहता है, बहुत जोश था सब में। धीरे धीरे जैसे ट्रेनिंग बढ़ती गई, ट्रेनिंग इज सपोज टू बी डिफिकल्ट, अदरवाइज एवरीवन डू, जैसे जैसे ट्रेनिंग बढ़ती गई धीरे धीरे वो जोश कम होता गया। तो मैंने पहली चीज ये सीखी कि परसिस्टेंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन मोटिवेशन। मोटिवेशन इज फॉर अ डे बट डिसिप्लिन इज फॉर लाइफ, ठीक है। तो आप आज मोटिवेटेड हो, कल मोटिवेटेड हो, परसों मोटिवेटेड हो, ठीक है, बी परसिस्टेंट विद डिसिप्लिन। कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं 3 दिन काम करूंगा फिर आराम करूंगा, नहीं, मैं 30 दिन, 12 महीने, पूरे साल भर काम करूंगा, साल भर मेहनत करूंगा। सो परसिस्टेंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन मोटिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट 1 ईयर इन ओटे कैसे चला गया मुझे पता नहीं चला। आई वॉज गुड इन फुटबॉल तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला वहाँ पे, वी वेंट टू प्ले मेनी वेयर, एनी मेनी प्लेसेस, IMA केरला, NDA एंड IMA, देन आई केम टू CTW। अब वहाँ पे ट्रेनिंग होती है दो एक साल की, ठीक है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म में जूनियर, सेकेंड टर्म में सीनियर मोस्ट। तो उसी एटीट्यूड के साथ, एक साल की ट्रेनिंग है, इतनी मेच्योरिटी आई नहीं है, उसी एटीट्यूड के साथ CME पुणे आया। वहाँ पे फर्स्ट टर्म में गया, वहाँ पे होते हैं 6 टर्म, वहाँ मुझे पता चला कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। मुझे रियलाइज हुआ कि वहाँ हम कुछ नहीं थे, असली यहाँ पर है। जब मैं अपने सीनियर्स को देखता था, मतलब लिटरली दे वर गुड इन एवरीथिंग, दे वर एक्सीलेंट इन एवरीथिंग एंड आई एस्पायर्ड टू बिकम लाइक देम। देन आई स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, बट देर वॉज अ वीकनेस इन मी, आई वॉज वेरी वीक इन लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग विथ वेट्स। तो आई टेल यू द ट्रूथ, वी हैड स्पीड मार्चेस होते हैं 15-20 किलोमीटर विद बैक पैक। मैं हमेशा पीछे, दोस्त मेरे मुझे धक्का मार रहे हैं, मैं रो रहा हूँ, लिटरली रो रहा हूँ, आंसू निकल रहे हैं मेरे, मैं भाग रहा हूँ, रो रहा हूँ, धक्का मार रहे हैं, मुझे भगा रहे हैं, ऑफिसर पीछे से लकड़ी मार के चल रहे हैं, भाग। ऐसे होते गया। फिर ऐसे एक टाइम आया व्हेन आई वाज द बेस्ट इन रनिंग, तो दैट वाज, और मेहनत कभी होगा, ऐसा नहीं, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। आई टेल यू अबाउट माई कोर्समेट्स, मैं जब वहाँ पे जूनियर टर्म में था तो मैं बहुत मस्ती करता था एंड मस्ती करने वाले को वहाँ बहुत रगड़ा मिलता है। तो मेरे सीनियर्स वगैरह, रगड़ा चल रहा है, पनिशमेंट चल रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, नींद नहीं मिल रही, खाना नहीं मिल रहा। कि दिन में गया, रोने लग गया, मेरे दोस्त आए, देखा मुझे, फिर बिस्किट ला के दे रहे हैं कि ले भाई खा ले कुछ, पानी पिला रहे हैं, फिर पोछे आंसू, फिर बाहर आया, फिर वापस ट्रेनिंग शुरू। सो द सेकेंड लेसन फॉर यू इज, इफ यू आर फीलिंग लाइक क्राइंग ना, अगर तुम्हें कहीं हार मिलती है और तुम्हें रोने जैसा होता है, किसी के सामने मत रोना, कभी कमर में जाना, अकेले रोना, आंसू पोंछना, बाहर आना, फिर मेहनत करना शुरू करना, ठीक है। जैसा कि मेरी मम्मी ने बताया अबाउट द फोन, स्मार्टफोन्स, तो आई केप्ट स्मार्टफोन इन अकेडमी, ठीक है, इट इज नॉट अलाउड बट आई केप्ट इन माई लास्ट टर्म, और मैं पहले दिन पकड़ा गया ऑफिसर से एंड लास्ट टर्म का मेरा है वो सीनियर मोस्ट, तो बहुत पनिशमेंट मिल रही है, कोर्समेट्स को पनिशमेंट मिल रही है, ठीक है, दैट फेज वेंट ऑफ, एक हफ्ते में सब नॉर्मल हो गया। फिर जो मेरे आगे के 6 महीने निकले ना, देवर फैंटास्टिक,
आई वॉज प्लटून कैडेट कैप्टन, मैं मेरी प्लटून का कैप्टन था. तो आई केम टू नो कि यार फोन नहीं होता ना, तो यू कैन लिटरली फोकस ऑन एवरीथिंग अराउंड यू एंड यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू स्टडी फॉर योर सेल्फ. यू कैन ग्रूम योर जूनियर्स, यू कैन डू एवरीथिंग फॉर योर प्लटून एंड दैट इज वाई माई प्लटून वन बैनर दिस टाइम. सो दैट वॉट आई रियलाइज इज मेरे पास फोन नहीं था, सिर्फ इसी कारण से ही हुआ है. मेरे पास फोन होता ना तो मैं क्या करता, क्लासेस से आया हूँ फोन चलाया, फिर गेम्स खेलने गया हूँ, गेम्स में मैं उनके साथ हूँ, वापस आया फिर फोन चलाने लग गया, डिनर से आया फिर फोन चलाने लग गया. लेकिन जो फोन चलाने का टाइम है ना, इस टाइम मैंने क्या किया, मैं क्लासेस से आया हूँ, मैं पूरी प्लेटून को बिठा के रख रहा हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि आज ये करेंगे, ये रेडी रहना. फिर वो प्लेटून खेल के आ रही वापस, फिर मैं सबको बता रहा हूँ कि तुमने यहाँ गलत किया, इसमें प्रैक्टिस करना, इसमें मेहनत करना. डिनर के बाद हम प्लेटून में एक्सरसाइज कर रहे हैं क्योंकि पीटी टेस्ट भी आ रहे हैं. तो ऐसे करके वी इम्प्रूव द लॉट जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, कि मेरे पास फोन नहीं था. तो इट्स अ वेरी गुड थिंग इफ यू कैन अवॉइड योर फोन. अगर आप नहीं अवॉइड कर सकते ना, तो कीप दिस इन माइंड, या तो अभी मजे कर लो फोन से या फिर बाद में करना. तो दैट्स अप टू यू. ठीक है, नेक्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन दैट आई हैव लर्न इन माई ट्रेनिंग एंड आई वॉन्ट टू शेयर इट विद यू इज दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी इन अ कैडेट, इन अ पर्सन, इन एन ऑफिसर, एवरी वन इज पेशेंस. यू नो अभी के लोग कैसे हैं, मैं जिम ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे एक महीने में एकदम तुम बहुत अच्छी बॉडी चाहिए, इज इट पॉसिबल? नहीं. मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ तो नहीं, मुझे एकदम अच्छे ग्रेड्स चाहिए स्टार्टिंग से. नहीं. मैं भागना शुरू कर रहा हूँ तो मुझे बस 7 दिन मैंने भागा और मुझे लगता है कि मैं मिल्खा सिंह. नहीं, यू हैव टू बी पेशेंट. मैं जिम ज्वाइन किया तो आई विल हैव टू स्टे देयर फॉर अराउंड अ ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, देन समवेयर आई विल कम. मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ तो मुझे दबा के मेहनत करनी पड़ेगी, एकदम से कुछ नहीं होता. तो बी पेशेंट, कोई बात नहीं, लगेगा टाइम, मेहनत लगेगी, ऐसे नहीं मिल जाता कोई भी लाइफ, मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा. लेकिन व्हेन यू गेट इट ना, मुझे पता है जब मैंने अंतिम पर क्रॉस किया ना, तो हम धीरे चाल से जब अंतिम पर क्रॉस कर रहे थे, लिटरली हम चिल्लाते हुए गए, भाग के चिल्ला रहे थे और सब चिल्ला रहे थे, एंड दैट वॉज द मोमेंट ऑफ माई लाइफ. तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड राइट नाउ इज पेशेंस. कि मैं पढ़ रहा हूँ, अभी रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये एक अगले एग्जाम में रिजल्ट मिलेगा, उसके अगले में नहीं मिलेगा, लेकिन कभी तो मिलेगा ना, तब समझ, तब पता चलेगा. देन यू हैव द एक्सिलरेशन ऑफ विक्ट्री, रिमेंबर दैट. निश्चिति अपनी जो ट्रेनिंग में उन्होंने जो भी चीजें बताई है, वहां तक पहुंचने के लिए पहले यहाँ संघर्ष करना पड़ेगा. ठीक है, और ये मोबाइल तो कल से ही सब आई होप की दूर कर ही देंगे. अब तो इतनी अच्छी चीजें हमें बताई ताकि हम अपने जीवन